दोस्तों इस चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव की। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के लिए वो नहीं कर पाए हैं जिसके लिए टीम ने उन पर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में भरोसा जताया था। मगर बात करें स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की, तो उन्होंने महज एक पारी से ही टीम को बता दिया कि वो क्यों टूर्नामेंट में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ की मुश्किल पिच पर खेले गए मुकाबले में सूर्य ने 49 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को 229 रनों के टारगेट तक पहुंचाने में मदद भी की थी। तो आप भी मिस्टर 360 डिग्री यानी सूर्य कुमार यादव को अच्छे बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य को टूर्नामेंट के दो मुकाबले में चोटिल हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में मौका मिला था, जिसे उन्होंने बाखूबी निभाया। वही सीरियस या टूर्नामेंट में लगभग फेल दिखाई दिए हैं। उन्होंने एक अर्धशतक की बदौलत टूर्नामेंट में 22.33 की औसत से सिर्फ 134 रन ही बना पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में अय्यर बिना खाता खोले ही पेवेलियन लौट गए थे। आगे आपको बता दें कि टीम इंडिया के अगले मुकाबले में हार्दिक पांड्या की वापसी की उम्मीद है। ऐसे में हार्दिक की वापसी पर पहले कायस लगाए जा रहे थे कि सूर्य को प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन अब श्रेयस अय्यर की खराब फॉर्म को देखकर उनकी छुट्टी हो सकती है। आपको बता दें कि सूर्य टीम के लिए आंध के ओवरों में तेजी से रन बनाने की काबिलियत भी रखते हैं, जो एक और प्लस पॉइंट हो सकता है। भले ही वनडे में सूर्य के आंकड़े कुछ खास नहीं हो, लेकिन टीम को उन पर भरोसा है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्य ने टीम के लिए कई शानदार पारियां खेली हैं। वहीं उनके वनडे आंकड़ों की बात करें तो अब तक सूर्य ने 32 वनडे की 30 पारियों में 4 अर्धशतक की मदद से 718 रन बनाए हैं। देखा जाए तो अय्यर के वनडे आंकड़े सूर्य से काफी बेहतर है, लेकिन उनकी हालिया फॉर्म काफी खराब है, जिसके चलते अगले मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप करके सूर्य कुमार यादव को मौका दिया जा सकता है। आपके हिसाब से किसे प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने आपको सुरक्षित रखें।